भिलाई निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर आज सुबह हुडको क्षेत्र के निरीक्षण के लिए पहुंचे। शहर के अंतिम वार्ड वार्ड 70 हुडको में उन्होंने सीवरेज लाइन का जायजा लिया। वहीं बीएसपी के पंप हाउस का निरीक्षण भी निगम आयुक्त ने किया। हुडको में निगम आयुक्त ने सीवरेज लाइन एवं पंप हाउस की वर्किंग की जानकारी ली। सीवरेज के पानी को सक करने के बारे में उन्होंने अधिकारियों से पूछा और पंप हाउस की वर्तमान कार्यप्रणाली से अवगत हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों पर सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया। क्षेत्र में जल भराव की स्थिति का मुआयना भी कमिश्नर ने उसी समय किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे, गली मोहल्लों के साथ प्रमुख सड़कों से कचरा प्रतिदिन उठना सुनिश्चित करें। इस दौरान निगम आयुक्त ने पब्लिक से भी फीडबैक लिया। स्थानीय रहवासियों ने समस्याओं से निगम आयुक्त को अवगत कराया। बीएसपी क्षेत्र के इलाकों में बीएसपी प्रबंधन से समन्वय बनाकर कार्य करने उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किए। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था बनाए रखना सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। सभी को साथ मिलकर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करने की आवश्यकता है। कचरे को इधर उधर न फेंक कर निर्धारित डस्टबिन में ही डालकर सफाई कर्मचारियों को देने की अपील भी उन्होंने की है। वहीं कचरा फैलाने वालों पर जुर्माना और कार्रवाई के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।